लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने पावर पॉइंट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं ऐसे तो, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है, क्वेश्चन होता है कि हम पावर पॉइंट की स्लाइड को वीडियो के अंदर कैसे कन्वर्ट करें या फिर उसको वीडियो के रूप में कैसे रिकॉर्ड करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश, स्वागत करता हूँ आपका टेक्लाइट चैनल में, जहाँ पे आप सीखेंगे एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी दोनों का ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम पावर पॉइंट की फाइल को या पावर पॉइंट की स्लाइड्स को कैसे वीडियो के रूप में कन्वर्ट करेंगे या फिर कैसे वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, वो सारी जानकारी हम देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई न्यू वीडियो डालू तो आपका उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियोज नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया हुआ है, जहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने पावर पॉइंट को यहाँ पे ओपन कर लिया है, तो पावर पॉइंट के अंदर किसी भी स्लाइड को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जो स्लाइड है उसकी जो साइज़ चेंज करनी पड़ेगी। साइज़ चेंज करने के लिए हम जाते हैं डिज़ाइन टैब में, और डिज़ाइन टैब में आपको यहाँ पे क्लिक करना पेज सेटअप। पेज सेटअप के अंदर आपके यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड साइज्ड फॉर, तो इसके अंदर आपको स्लाइड की साइज़ लेनी है 16:9। तो फ्रेंड्स, ये साइज़ हम किस लिए लेंगे, ताकि जो हमारी वीडियो बनेगी वो आपके परफेक्ट बनेगी, जो आपकी स्क्रीन की साइज़ होगी उसके हिसाब से आपकी वीडियो परफेक्ट बन सके। तो अब मैं करता हूँ यहाँ पे ओके। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपकी जो स्लाइड है वो थोड़ी चौड़ी हो चुकी है, मतलब थोड़ी उसकी विड्थ आपकी थोड़ी इंक्रीज हो चुकी है, ताकि आपकी जो वीडियो है इस स्लाइड के हिसाब से सही बन सके। तो फ्रेंड्स, अब आपको नेक्स्ट काम ये करना है कि होम के अंदर जाना है और इसका लेआउट आपको चेंज कर लेना है ब्लैंक, ताकि ब्लैंक के अंदर आपको जो भी काम करना है वो अच्छे से आप कर सको। तो फ्रेंड्स, अब आपको एक काम करना है कि आपकी जो स्लाइड है वो आपको बनानी है, साथ में उसके ऊपर एनिमेशन इफेक्ट भी देने हैं, ताकि आपकी जो वीडियो बने वो एनिमेशन इफेक्ट की वजह से और थोड़ी अच्छी दिख सके। तो फ्रेंड्स, मैंने सैंपल के तौर पर आपके सामने एक पहले से स्लाइड बना के रखी है, ताकि मैं आपको ये सारी चीज़ें बता सकूँ ये चीज़ कैसे होगी। तो फ्रेंड्स, इस स्लाइड के अंदर मैंने सिंपल एक वाइट बैकग्राउंड लिया हुआ और फ्रेम ली हुई है, और फ्रेंड्स साथ में एक स्लाइड के ऊपर एक फ़ोटो लगाया हुआ है, कुछ टेक्स्ट मैंने लिया हुआ, जैसे फर्स्ट टेक्स्ट ये मेरे पास, सेकेंड ये और थर्ड ये मैंने कुछ चार चीज़ें इसके ऊपर ले रखी है और चारों के ऊपर एनिमेशन दे रखा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं जाता हूँ एनिमेशन के ऊपर और आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन से एनिमेशन इसके ऊपर दे रखे हैं। तो जैसे ये फर्स्ट फोटो है, इसके ऊपर मैंने कुछ आपके एनिमेशन दे रखा है, सेकंड इस पे, थर्ड इस पे दे रखा है, फोर्थ इस पे दे रखा है। और फ्रेंड्स, अगर आपको एनिमेशन के बारे में और जानकारी चाहिए तो नीचे हमारी पूरी एनिमेशन के ऊपर वीडियो बनी हुई है, जिसका लिंक दिया हुआ है, जिसको देखकर आप एनिमेशन को कंप्लीट सीख सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। तो फ्रेंड, जैसे ये पूरी स्लाइड के ऊपर आपने एनिमेशन दे दिए, और आप इस तरीके से बहुत सारी स्लाइड बना सकते हैं जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है इन सारी स्लाइड्स को या फिर आपके इस स्लाइड को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, और फ्रेंड्स वो सॉफ्टवेयर है कैम स्टूडियो। फ्रेंड्स, आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो, कंप्यूटर की स्क्रीन हो भले लैपटॉप की स्क्रीन हो, और साथ में आप यहाँ पे वीडियो स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये सॉफ्टवेयर आपके फ्री सॉफ्टवेयर है, लगभग 40 MB की इसकी साइज़ होती है, जिसको आपको अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करना है यहाँ पे डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करके। तो फ्रेंड, जैसे आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी कैम स्टूडियो की। अब इसके अंदर आपको छोटी सी सेटिंग करनी है, जैसे रीजन के अंदर जाके आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन लेना है, ताकि आपकी जो वीडियो बने वो फुल स्क्रीन के ऊपर बने और अच्छी बने। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको यहाँ पे वीडियो का फॉर्मेट चेंज करना है, और आपको यहाँ पे फॉर्मेट लेना है AVI। तो AVI पहले से लिया हुआ, मान लो आपके पास यहाँ पे AVI नहीं आ रहा हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करके अपना फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे AVI ले लिया, अब मेरा नेक्स्ट काम है इस रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना। तो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास जो यहाँ पे रेड बटन दिया हुआ, उस बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ मिनिमाइज, और आपके मिनिमाइज करने के बाद मैं मेरे पावर पॉइंट को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आपको नेक्स्ट करना है स्लाइड शो। तो स्लाइड शो के लिए मैं जाता हूँ स्लाइड शो टैब के अंदर, और जो मेरा स्लाइड शो है उस स्लाइड शो के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो आपका जो ये स्लाइड शो की विंडो ओपन हो गई। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आपको माउस के बटन से या फिर कीबोर्ड के बटन से स्लाइड शो को रन करना है। जैसे मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ, तो फ्रेंड्स आपका ये स्लाइड शो खत्म हो चुका है। तो अब मैं करता हूँ यहाँ पे एस्केप, और एस्केप करने पर आपको यहाँ पे जाना है टास्क बार के ऊपर, और टास्क बार के ऊपर आपका ये बटन दिया हुआ है कैम स्टूडियो का, इसके ऊपर आपको दो बार क्लिक करना है और आपको यहाँ से इसको स्टॉप कर लेना है। तो फ्रेंड, जैसे आप इसको स्टॉप करोगे ये पूछेगा आपको इस वीडियो को कहाँ सेव करना है। मेरे को सेव करना भी हाल फिलहाल डेस्कटॉप के ऊपर, और डेस्कटॉप के ऊपर इसको मैं नाम दे देता हूँ पावर पॉइंट फाइल। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो उसको सेव करने पर ये आपकी वीडियो को सेव कर देगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको सेव करने पर ये वीडियो आपको डेस्कटॉप के ऊपर मिल जाएगी, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को ओपन कर लेता हूँ,
अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका जो कुछ शुरू का पार्ट है वो कुछ एक्स्ट्रा है और कुछ लास्ट वाला पार्ट कुछ एक्स्ट्रा के ऊपर। तो ये सब कुछ आपको रिमूव करना पड़ेगा एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से। तो फ्रेंड्स अब आपको जरूरत होगी एक अच्छे से वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की, जिससे आप इस वीडियो को एडिट कर सकते हो और अपने शुरू का और लास्ट के पार्ट को हटाकर जितनी वीडियो आपको चाहिए उतनी वीडियो आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो एडिटिंग के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखी हुई और कौन कौन से वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपको फ्री में अवेलेबल है जिससे आप वीडियो एडिट कर सकते हो, उन सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पे जाके आप सीख सकते हो और देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अब आप जान चुके होंगे कैसे अपने पावर पॉइंट की फाइल को या स्लाइड्स को वीडियो के रूप में रिकॉर्ड कर सकते हैं और वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं और इजिली उसको एक वीडियो का रूप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।